तुषार, जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में, उसी तरीके से जो डेंगू के मामले हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। किस तरीके के मरीज देखने को मिल रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए डेंगू की तो लगातार ये देखने को मिला है कि जो मामले हैं डेंगू के वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, और सबसे अधिक अगर बात करूँ तो पौड़ी ज़िले में ये मामले लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो 75 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 59 मामले सिर्फ पौड़ी ज़िले के हैं, 9 मामले देहरादून के हैं, 3-3 मामले जो हैं वो देहरादून और नैनीताल के सामने आए हैं। साथ साथ अगर मैं इसके साथ उधम सिंह नगर की बात करूं तो वहां पर एक मामला सामने आया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है लगातार डेंगू के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और स्वास्थ्य विभाग ने आगामी 2 महीनों के लिए इसमें साफ तौर से अलर्ट जारी कर दिया है, सभी CMO को यहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो आपके ज़िले हैं वहाँ पर जो डेंगू को लेकर तमाम जो इंतज़ाम है वो किए जा सकें, और इसी के तहत लगातार ये देखा गया है जो अस्पताल हैं उसमें जो इंतज़ाम है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्देश द्वारा जो निजी अस्पताल हैं और साथ साथ जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें 10% जो बेड्स हैं वो पूरी तरह से आरक्षित रखे गए हैं। देहरादून में एक मौत का मामला सामने आया है, ऋषिकेश में एक व्यक्ति की डेंगू से मौत हुई है, उसकी भी फिलहाल जांच की जा रही है कि इसकी अलग पहलू से तो कोई मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन मुख्य तौर पर जो मौत हुई है ऋषिकेश में सामने आई है, फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है चिकित्सक द्वारा। लेकिन जिस तरह से जो बढ़ोतरी देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी साफ तौर पर अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का भी ये कहना है कि सभी जो CMOs हैं और साथ साथ जो निर्देशालय है उसको यहाँ पर साफ तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि आगामी 2 महीने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट रहा जाए, क्योंकि जो डेंगू है इसी महीने देखा जाता है कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आए। पिछले साल भी ये देखा गया कि डेंगू के मामले अत्यधिक देखने को मिले, जिसमें करीब 12 से अधिक लोगों की मौत हुई है देहरादून ज़िले में ही। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है, फिलहाल जो मामले हैं 75 पूरे प्रदेश भर में देखने को मिले हैं, और इसी के तहत जो कार्रवाई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा वो की जा रही है। साथ साथ नगर निगम भी अपनी तैयारियां करता हुआ नज़र आ रहा है, जो फॉगिंग और साथ साथ जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो घरों घरों में डालते हुए नज़र आ रहा है, मोहल्लों में डालते हुए नज़र आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में बात करूँ तो 50,000 से अधिक जो घर हैं वहाँ पर जो नगर निगम और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो वहाँ पर गई थी, और जो लार्वा है वो भी वहाँ पर नष्ट किया गया। तो ऐसे में कहा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग और साथ साथ जो राज्य सरकार है पूरी तरह से डेंगू के लिए अलर्ट नज़र आ रही है, और इसी के तहत जो कार्रवाई है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। और इसी के तहत अगर कहीं पर लार्वा पाया जाता है डेंगू का तो इसके तहत जो लोग हैं, जो घर में रह रहे लोग हैं, उन पर भी चालान की कार्रवाई की जाएगी, और जिसके तहत देहरादून का जो सेंट जोसेफ स्कूल है वहाँ पर डेंगू का लार्वा पाया गया था, और 1,00,000 का जुर्माना जो नगर निगम की टीम है उन्होंने उस पर ठोका था, जिसके बाद 1,00,000 रुपये का जुर्माना जो स्कूल प्रबंधन है उन्होंने नगर निगम को दिया। तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, और डेंगू के रोकथाम के लिए सभी प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जी तुषार, साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि पौड़ी में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले और मरीज जो है वो सामने आए हैं, ऐसे में क्या कुछ कारण इसका मुख्य बताया जा रहा है? देखिए, इसकी अगर मुख्य कारण की बात की जाए तो हमेशा से जागरूकता रहती है। अगर आपके घर पर पानी भरने की जगह, जैसे पुराने कूलर की वहाँ पर पानी भर जाता है, जिसके कारण जो डेंगू है अपना लार्वा पसारता है, और कहीं ना कहीं जो केसेस हैं वो साफ अत्यधिक आते हैं। और साथ साथ इसमें नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी हम कह सकते हैं, कि जिस तरह से देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल में जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से फॉगिंग की जा रही है, साथ साथ जो कीटनाशक दवाइयाँ डाली जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो मामले हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है बीते वर्षों से। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पौड़ी ज़िले के स्वास्थ्य विभाग और साथ साथ नगर निगम है और साथ साथ जो नागरिकों की जागरूकता है, इसमें साफ तौर पर यहाँ पर खामियां देखने को मिल सकती है, जिसके कारण जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में वहाँ के जो CMO हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं, और साथ साथ जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं और इसके साथ साथ जो नगर जो फॉगिंग की कार्रवाई है वो अत्यधिक यहाँ पर की जा रही है। तो कोशिश यही है कि लगातार
जो ये मामले सामने आ रहे हैं पौड़ी डिजी में, इसे कम किया जा सके। और इसमें साफ तौर पर हम लापरवाही नागरिकों की, जो आम जनमानस है जो डेंगू को हल्के में लेने का कार्य करता है, और साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है और नगर निगम जो अपनी कार्रवाई में थोड़ा चूक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए लगातार अगर प्रशासन की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ जागरूकता फैलाई जा रही है कि किस तरीके से डेंगू से बचा जाए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से और साथ साथ कोशिश यही रह रही है कि लोगों को घर घर जाके भी यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत अगर आपके घर में लार्वा पाया जाता है तो आपके तहत कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें चालान प्रक्रिया भी की गई है कि अगर किसी के घर में लार्वा पाया जाता है या फिर वो डेंगू के प्रति जागरूक नहीं पाया जाता तो उसके प्रति भी यहाँ पर कार्रवाई साफ तौर पर की जा रही है। जो घरों में अगर मैं बात करूँ तो 500 से 1000 तक का जो जुर्माना है वो रखा गया है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्कूल कॉलेजों में भी खास तौर पर यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से मैंने बताया, जो देहरादून का सेंट जोसेफ स्कूल है, काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल है, मुख्य घंटाघर में ही है, और यहाँ पर जो डेंगू का लार्वा यहाँ पर पाया गया था, जिसके बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1,00,000 रुपये का जुर्माना उन पर ठोका था। तो कहा जा सकता है कि साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है और नगर निगम है वो जागरूकता अभियान के तहत लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें आम नागरिक और साथ साथ किसी प्रबंधन या सामाजिक संगठन की इसमें गलती आती है तो उन पर कार्रवाई भी यहाँ पर पूर्ण रूप से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।